गाइस, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। रेडमी नोट 5 प्रो के लिए 12.5 का नया अपडेट आया है। मैं आपको सबसे पहले वर्जन वगैरह दिखा देता हूँ, कौन सा वर्जन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो MIUI बाई Xiaomi यू रोम है, लेकिन ये स्टेबल अपडेट है, कोई बीटा वगैरह अपडेट नहीं है। रोम की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और एकदम स्मूथनेस आपके सामने है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। एकदम इसका UI वगैरह बिल्कुल भी लैग नहीं है, एकदम स्मूथ UI है। सबसे पहले मैं आपको दिखा लेता हूँ इसमें आपको क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आप इसका जो ऐप वॉलेट की बात करोगे, जो 12.5 का है, तो आपको इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह, कैलेंडर, इवेंट्स का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। कंट्रोल सेंटर की बात करूँ तो हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल सेंटर में मीडिया बार का ऑप्शन फिलहाल इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन रोम जो है आप इसको डेली ड्राइवर में यूज कर सकते हो। प्ले स्टोर वगैरह सब कुछ सर्टिफाई मिलता है और आप एकदम बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ इसमें यूज कर पाओगे और लाइव सुपर वॉलपेपर का भी आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें आपको दिखा लेता हूँ। यहाँ पे आप जैसे सेटिंग के अंदर जाओगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं चलता हूँ माई डिवाइस के अंदर और यहाँ पे आपको नीचे दिखाता हूँ ऑल स्पेक्स में सिक्योरिटी पैच भी दिखा लेता हूँ। तो एंड्रॉइड 11 का वर्जन मिल जाता है और यहाँ पे सिक्योरिटी पैच की बात करूं तो हालांकि सिक्योरिटी पैच इन्होंने अभी तक अपग्रेड नहीं किया, आपको पुराना वाला ही देखने को मिलता है, लेकिन रोम की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और रोम को काफी अच्छी तरह से बिल्ड किया। कर्नल है जो V13, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रैगल का कर्नल मिल जाता है, जो कि बैटरी वगैरह में काफी अच्छा चलता है और एकदम अच्छे से रोम की परफॉर्मेंस, मतलब मोबाइल का डिवाइस का परफॉर्मेंस एकदम अच्छे से मैनेज करके रखता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो फ्लोटिंग विंडो भी आपको मिल जाता है, जो कि एकदम अच्छे से वर्किंग कर रहा है, कोई भी इसमें आपको दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे आप जैसे नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वगैरह, वाईफाई सब कुछ वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। वॉलपेपर्स की बात करो तो वॉलपेपर्स में आप जैसे यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे लाइव लाइब्रेरी के अंदर जाओगे तो लाइव सुपर वॉलपेपर का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और नीचे आप देख सकते हो प्री इंस्टॉल वॉलपेपर है, जो भी आपको सारे MIUI 13 के, MIUI 12.5 के सारे इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे लाइब्रेरी के अंदर जाके। यहाँ पे आप आइकन की साइज को छोटा बड़ा यहाँ से आप कर पाओगे और जैसे कि यहाँ पे स्टाइल्स का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसमें 4 टाइप की थीम्स मिल जाती है, जो कि लिमिटलेस, क्लासिक हो गया और डिफॉल्ट वगैरह, ये आपको 4 टाइप की इसमें थीम मिल जाती है। यहाँ से आप आइकन की साइज को छोटा बड़ा आप यहाँ से इजिली से कर पाओगे और नीचे आपको यहाँ पे क्लॉक स्टाइल्स वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले AOD का फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके बाद में आप नीचे रिंगटोन्स वगैरह, यहाँ पे नोटिफिकेशन और अलार्म क्लॉक वगैरह और यहाँ पे इफेक्ट्स का, इन दोनों को यहाँ पे फिलहाल इनको इनेबल यहाँ पे नहीं किया गया, लेकिन इसको आप गैलरी से इनेबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन का सिस्टम मिलता है, जो आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो नियर तक का ऑप्शन मिल जाता है और डबल टैप टू वीक स्क्रीन काम कर रहा है और फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह सब कुछ एकदम वर्किंग है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको साइड पैनल का शॉर्टकट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप इसको एड्स कर सकते हो यहाँ से, इसको आप मैनेज करके इसमें शॉर्टकट्स में आप इसको अप्लाई वगैरह, वेदर्स वगैरह जो भी है यहाँ पे आपको रिसेट भी कर सकते हो और यहाँ से आप इसको एड्स वगैरह भी अपने हिसाब से शॉर्टकट आप बना सकते हो। चार्जिंग एनिमेशन है जो तीनों आपको इसमें दिया गया है, जो कि अच्छे से वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। और पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आप जाओगे तो फेस अनलॉक वगैरह और फिंगरप्रिंट सब कुछ फास्ट वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। और डिवाइस इसमें आपका नॉट इनक्रिप्टेड रहने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पाओगे डिवाइस को, फोन नॉट इनक्रिप्टेड, तो कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट आप रूट इसमें बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ इसमें आप यूज कर पाओगे। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर्स की बात करूँ मैं, यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको एप्स नोटिफिकेशन का भी आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे इसको अलाउ कर सकते हो जिस एप्स की आपको नोटिफिकेशन चाहिए। नोटिफिकेशन शेयर का ऑप्शन में MIUI और आपको एंड्रॉइड का मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे एक्सपेंड टू टॉप नोटिफिकेशन का भी फीचर्स मिलता है। शो वेदर इन्फो, ये भी आप यहाँ पे इसको अलाउ वगैरह करके रख सकते हो। कंट्रोल सेंटर स्टाइल्स की बात करूँ तो आपको ओल्ड और नया दोनों आपको इसे मिल जाता है, काफ़ी एकदम अच्छे से स्विच करने में कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छे से वर्किंग है, एकदम अच्छे से ये काम कर जाता है, कोई भी इसमें आपको दिक्कत वगैरह नहीं होगी। स्टेटस बार की अगर बात करता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ तो आपको 4G आइकन का भी ऑप्शन मिलता है, 100 कनेक्शन का भी मिल जाता है और परसेंटेज में आपको ग्राफिक्स का फिलहाल इन्होंने नहीं दिया गया। और हाइट नॉच का भी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको जो डिवाइस है तो उसमें आप हाइट नॉच करना चाहते हो। और नीचे आपको एप्स का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि इसमें आप हाइट नॉच को इंक्लूड वगैरह कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बताता हूँ। अगर होम स्क्रीन के अंदर आप जाओगे तो आपको डिफ़ॉल्ट लॉन्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे ऐप ड्रॉअर, होम स्क्रीन वगैरह, क्लासिक जो भी एकदम अच्छे से स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड सिस्टम्स वगैरह, स्क्रॉल बार वगैरह, ये आपको सब कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको होम स्क्रीन का जो है सर्च बार का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, जो गूगल्स और नॉर्मल वाला आपको जो भी पसंद है सिंपल से आप यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो सेटिंग में से। अगर गेस्चर्स की बात करूँ तो बटन्स आपको इसमें दिखा देता हूँ। बटन्स आपको
उसमें नॉर्मल वाले देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे और काफ़ी प्यारे लगते हैं इस टेबल में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसका आपको लर्निंग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आप इसको बैक वगैरह यहाँ पे आपको सब कुछ इसमें समझा देगा ऑप्शन, अगर नहीं आए समझ तो। बटन्स का भी है, एकदम अच्छे से बटन्स है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको डबल टैप टू विक स्क्रीन काम कर रहा है, और यहाँ पे आपको लेआउट की भी आपको बहुत सारी साइज देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आइकन्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको आइकन्स देखने को मिल जाते हैं, ग्लोबल आइकन एनिमेशन का सपोर्ट है, अरेंज रिसेंट आइटम का भी यहाँ पे आपको वर्टिकल हॉरिजेंटल का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो भी आपको पसंद है सिंपल सी अप्लाई वगैरह आप यहाँ से कर पाओगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको वॉलपेपर का जो मैंने दिखा दिया था वो सिस्टम्स, और ये पासवर्ड सिक्योरिटी में आपको और कुछ देखने को मिलता है यहाँ पे नीचे, आपको इमरजेंसी SOS वगैरह ये आपको इसमें दिखा, सेकंड स्पेस वगैरह ये सब कुछ आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बैटरीज की बात करता हूँ तो बैटरीज का यू आपको इसमें पुराना ही देखने को मिलता है, MIUI 13 का आपको फिलहाल इसमें नहीं दिया गया, क्योंकि रोम को सिर्फ अपग्रेड किया गया, पहले कुछ बग्स थे उनको फिक्स किया, सिक्योरिटी पैच भी इन्होंने फिलहाल नया नहीं दिया इसमें, तो काफ़ी थोड़ा स्टेबल बनाया पिछले अपडेट के मुकाबले, इसको स्टेबल किया गया। यहाँ पे एप्स में डबल एप्स, एप्स लॉक, परमिशन मैनेज सिस्टम वगैरह ये आप यहाँ पे सब कुछ कर पाओगे। उसके बाद में नीचे आप जाओगे एडिशनल सेटिंग में, तो इसमें आपको लैंग्वेज रीजन्स वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, सारी रीजन्स आपको मिल जाएगी, लैंग्वेज वगैरह कर सकते हो। मेमोरी एक्सटेंशन का भी फीचर्स है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर्स है, ये MIUI 13 में आने वाला है, सभी रोम में आएगा। फुल स्क्रीन डिस्प्ले वगैरह का जेस्चर्स का ऑप्शन वापस आपको यहाँ पे दिया गया, नीचे फैक्ट्री शेयर बैकअप वगैरह आप ले पाओगे। स्क्रीन टाइम की बात करूँ, यहाँ पे इसको एग्री वगैरह करोगे तो आपको डिवाइस का जो भी पूरा दिन भर का डाटा वगैरह है, आपको कितना टाइम क्या यूज़ किया है, डिवाइस को अनलॉक कितनी बार किया है, नोटिफिकेशन कितनी आई है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मी अकाउंट मिलता है, जो कि आप यहाँ से इसको मी अकाउंट Xiaomi का जो है आपका डिवाइस का, वो उसको लॉगिन कर सकते हो। गूगल अकाउंट्स वगैरह आईडी ऐड या रिमूव यहाँ से आप कर पाओगे, ये भी आपको यहाँ पे फीचर्स दिया गया है। और नीचे आपको अकाउंट्स वगैरह और प्राइवेसी लोकेशन सर्विस फीडबैक का इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। अब आपको दिखाता हूँ एप्स ओपनिंग वगैरह, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका UI मतलब काफ़ी एकदम अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योरिटी एप्स को मैं जैसे कर रहा हूँ, तो सिक्योरिटी एप्स आपको इसमें हालांकि लेटेस्ट तो नहीं मिलता है, पुराना मिलता है, लेकिन आप इसका UI वगैरह देख सकते हो, जो भी एप्स ओपनिंग है काफ़ी फास्ट है एकदम, कोई भी इसमें आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ एकदम फास्ट वर्किंग है, यहाँ पे आप गैलरी वगैरह कुछ भी ओपन करोगे तो एकदम अच्छे से फास्ट ओपन हो जा रही है। और अब आपको मैं इसमें थीम्स में भी दिखा लेता हूँ कि थीम्स आपको कौन सी देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। थीम्स आप देखते हो तो ये जो 4 टाइप की थीम है ये आपको इसमें देखने को मिल जाती है, और रिंग टोन्स वगैरह ये आपको मिल जाती है। अब थोड़ी कैमरा क्वालिटी की बात कर लेते हैं, कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है और काफ़ी फास्ट इसका कैमरा है, ये आप देख सकते हो। शटर स्पीड भी काफ़ी फास्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे एकदम अच्छे से है। और आपको इसमें AI मोड भी देखने को मिल जाता है, जो कि एकदम अच्छे से पिक्स की क्वालिटी वगैरह एकदम अच्छी सी हो जाती है, और HDR का सपोर्ट भी आपको AI में मिल जाता है। तो आपको इसकी क्वालिटी वगैरह मैं दिखा देता हूँ कैमरे की, तो आप यहाँ पे देख पाओगे क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। कैमरा क्वालिटी में आपको इसमें कुछ भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो AI मोड, नॉर्मल मोड, HDR वगैरह सब कुछ इसमें सपोर्ट है। वीडियो क्वालिटी में आपको 4K 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे, मैं आपको दिखा लेता हूँ 4K 30 FPS का आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। नीचे आपको शटर्स वगैरह और एंटी ब्लेडिंग वगैरह मोड वगैरह सब कुछ है, ऑटो एक्सपोज वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे पोर्ट्रेट, स्क्वायर, पैनोरामा सब कुछ इसमें फीचर्स आपको दिए गए, जो कि काफ़ी एकदम अच्छे से वर्क कर रहे, कोई भी इसमें आपको दिक्कत वगैरह देखने को बिल्कुल भी आपको नहीं मिलती है। शॉर्ट वीडियो का भी इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब मैं कोई पिक्स फोटो करता हूँ और यहाँ पे आपको एडिट्स के ऑप्शन में जाऊँगा, तो इसके फिल्टर्स वगैरह भी आपको दिखा लेता हूँ, जो ब्यूटी वगैरह फिल्टर्स के आपको सारे ऑप्शन जो भी है, पोर्ट्रेट, क्लासिक वगैरह, ट्रैवल वगैरह जो है सब कुछ इसमें Xiaomi के फ़ोन में जो भी आता है MIUI 13 वगैरह में, वो सारे इसमें आपको फिल्टर्स दिए गए, कोई भी इसमें फिल्टर्स वगैरह मिस नहीं किया गया है। और रोम की परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी अच्छी है, इसका लिंक टेलीग्राम वगैरह में मैंने डाल दिया गया है, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के थ्रू, क्योंकि स्टेबल अपडेट है ये, लेकिन ऑरेंज फॉक्स रिकवरी से ही आप इसको फ्लैस कर पाओगे, बाकी ये फ्लैस वगैरह नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें वॉल्यूम बटन्स वगैरह, मैं आपको दिखा लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो रिबूट वगैरह, पावर मेन्यू इस तरह से है, और वॉल्यूम्स बटन्स भी आपको दिखा लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको 3 टाइप्स के बटन्स है, यहाँ पे आपको DND, साइलेंट वगैरह जो भी आपको करना है वो सिंपल सी आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरह का रिव्यू है, अगर इस रोम को आप यूज़ करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम में लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके और इसको आप फ्लैश करके एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है, एकदम अच्छे से है, कोई भी दिक्कत वगैरह आपको इसमें नहीं होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही आप इसको करते हो लाइव वॉलपेपर भी आपको मिल जाता है। तो गाइज वीडियो यहीं तक था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस तरह के कस्टमर रोम के रिगार्डिंग वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।